वाह बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह उफ बहुत आला भाई बहुत आला। ये ब्रिज मैंने देखा होगा, हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, जानता हूँ मतलब इसके बारे में। ओए 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 बहुत आला बहुत आला। मेस्मराइजिंग ब्यूटी जिसको बोलते हैं। जो फॉल्स बहुत खूबसूरत है बहुत। हेलो गाइस कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास होंगे, लश पश होंगे, फिट फाट होंगे। एक नई वीडियो नई रिएक्शन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पिछली दो तीन वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आगे भी पसंद करते रहेंगे। तो बिना किसी देर के हम चलते हैं वीडियो की तरफ जिसको हमने आज रिएक्शन के लिए सेलेक्ट किया है। वीडियो का टाइटल है इनक्रेडिबल इंडिया 4K बियॉन्ड द मिथ्स एंड अ जर्नी थ्रू अनटोल्ड ब्यूटी। और ये वीडियो ली गई है एक्सप्लोर इंडिया चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम बिना देर के चलते हैं रिएक्शन की तरफ और फिर सॉरी वीडियो की तरफ और वीडियो के बाद स्टार्ट करेंगे फिर रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह उफ बहुत आला भाई बहुत आला। 43 किलोमीटर को बोले एक्चुअल साइट्स इन इंडिया। ये ब्रिज मैंने देखा हुआ है, हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, जानता हूँ मतलब इसके बारे में। व्हाइट डेजर्ट कारगिल विलेज बहुत है आला बहुत मेहरानगढ़ फोर्ट। वेस्टर्न घाट्स नागालैंड। मेस्मराइजिंग ब्यूटी जिसको बोलते हैं ना यार, मुंबई
जो फॉल्स बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। उत्तराखंड, मैसूर पैलेस, हिमाचल प्रदेश, हैप्पी फॉल्स, नीति वैली, चोटा वैली यूके, उत्तराखंड यूनाइटेड किंगडम से, इसका नाम समझ नहीं, ब्राज होगी। पेंगोंग, टीएसओ लेक, मैं लैपटॉप की ब्राइटनेस कम है, आपका सोचो मजा क्यों नहीं आ रहा है सही से। पूरी उड़ीसा, मनाली, ओ हो 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 वो हो, ये तो नायगरा फॉल लग रही है भाई। कहाँ पे है पर वो चला गया, कश्मीर, शिंतान टॉप, श्रीनगर, लेह लद्दाख, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात, टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, आई नो दैट, न्यू दिल्ली, न्यू टाउन, कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता, आईटीसी, रॉयल बेंगल, कोलकाता, माइंड ब्लास्टिंग, माशा, हावड़ा ब्रिज, गंगटोक, सिक्किम, कंचनजंगा माउंटेन रेंज, ब्यूटीफुल, अंडमान एंड निकोबार, मैं इसकी खूबसूरती के बारे में जानता हूँ, नो डाउट, कोई शक नहीं इसके बारे में, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, इस पर भी मैंने रिएक्शन किया हुआ है, लक्षद्वीप, त्रिपल्ली वाटरफॉल्स, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, चेन्नई, नागपीड, एंगलिंग ब्रिज, केरला, ब्रेड टेकिंग व्यूज हैं यार, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, चालाकोबी रिवर, भाई पसीने छूट गए इतनी खूबसूरती देख के, अच्छी है माशाल्लाह अच्छी, तिरुपल्ली वाटरफॉल अच्छा ही हुई, तंदुबा टेंपल, खंडूबा टेंपल, शिवपुरी,
Himalayan region, Western Ghats, राजस्थान। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए ना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त, लशपश और इतनी खूबसूरत कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैंने खुद जो है वो काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है और मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि कैमरे में जितनी, वीडियो में जितनी खूबसूरती नज़र आ रही है ना, रियल में इससे कहीं ज़्यादा होती है, जो सिर्फ उस बंदे को ही महसूस हो सकती है जो उस जगह पर मौजूद होता है। मतलब कि यार, पहाड़, झील, झरने, नदियाँ, वादियाँ, रोड, बर्फ़, पहाड़, उसके बाद जो झरने बह रहे हैं, जो खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं, उस इलाके की, उस जगह की खूबसूरती को बेपनाह बढ़ा देती हैं, जिसका जो है ना, मैं क्या कहूँ कि लफ्ज़ों में जो है ना, किसी किस्म का कोई मोल नहीं हो सकता। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है, शुरू से ही ख्वाहिश रही है कि मैं इतना फाइनेंशली भी स्टेबल हो जाऊँ इंशाल्लाह। अगर होगा तो मुझे इंडिया का जो ये जो पार्ट है, लद्दाख वाला और नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, मुझे ये विज़िट करना बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में घूम चुका हूँ, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, कश्मीर में गया हुआ हूँ मैं, और मुझे पता है कि कश्मीर वाला जो पार्ट इंडिया वाली साइड पे है, वो इससे, पाकिस्तान वाले से काफ़ी बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। और केपी के भी गया हूँ, तो मतलब मैं थोड़ा सा फील ले सकता हूँ, जो वीडियो में चीज़ें दिखाई गई हैं मैं उसको थोड़ा सा समझ सकता हूँ कि एक्चुअल में वहाँ जा के जो है ना, वो बंदे की क्या फीलिंग होगी और क्या जो है वहाँ पर एक व्यू होगा। स्पेशली लद्दाख के जो प्लेटोज़ एरिया दिखाए गए हैं ना, जो मैदानी इलाके दिखाए गए, वो तो इतने मेस्मराइजिंग हैं यार कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और लद्दाख की मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं, तो मेरा तो ऐसे दिल हो रहा है कि यार किसी तरीके से कुछ हो तो मैं जो है ना, वहाँ पे ज़रूर विज़िट करूँ। जैसे हमारे पाकिस्तान के एक ब्लॉगर हैं इब्रार, तो उन्होंने इंडिया का टूर किया था, मैंने तकरीबन सारी वीडियोस उनकी देखी हैं, वो इंडिया वाली पूरी सीरीज़ देखी है। तो वो तो इन्होंने जो है वो इस तरफ से स्टार्ट किया था, केरला वाली साइड से शायद स्टार्ट किया था, लेकिन वो नॉर्थ वाली साइड पे नहीं जा सके। आई थिंक अगर वो गए हैं तो मैंने वो वाली वीडियो नहीं देखी, कुछ सीरीज़ में कुछ वीडियोज़ मेरी उनसे मिस हुई हैं, लेकिन जो उनकी वीडियोज़ में जिस तरीके से उन्होंने सारा अपना टूर को कवर किया है, वो दिखाया, तो मतलब वो भी बहुत इम्प्रेसिव, बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैं दुआ करूँगा कि हम दोनों मुल्कों के आपस के ताल्लुकात इतने अच्छे हों, भाइयों जैसे हों, छोटे भाई बड़े भाई जैसे ताल्लुकात हों, कि हम एक दूसरे के मुल्कों में आराम से, आज़ादी से और आसानी से आ जा सकें, अच्छी ट्रेड कर सकें, अच्छे रिलेशन बना सकें, जिसका हमें जो है वो फाइनेंशली भी फ़ायदा हो और इकोनॉमिकली भी, एथिकली भी, इस तरीके से जो है ना, वो हम चीज़ों को बेहतर बनाते हुए आगे चलें। तो गाइस, ये इस रिएक्शन को हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रिएक्शन के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।